अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, PSL 9 के लिए ऑफिशियली लिस्ट कंफर्म हो गई है प्लेटिनियम कैटेगरी की ओवरसीज प्लेयर की, जिसमें ओवरसीज 29 प्लेयर ने PSL ड्राफ्ट के लिए साइन कर दिए, ये बात कंफर्म हो चुकी है। आइए जानते हैं वो प्लेयर कौन कौन से हैं और किस कंट्री से हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरन फिंच, इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद, हेल्स, डेविड मिलान, मोइन अली, थोपली, साकिब महमूद, टॉम करन, टेमिल मिल्स। वेस्ट इंडीज की तरफ से अकील हुसैन, निकलस पुरन, ओडिन स्मिथ, इवन लुइस और राखीम ने। श्रीलंका की तरफ से राजा पक्षा, शनंका और हसरंगा ने रजिस्टर किया है। न्यूजीलैंड की तरफ से भी तीन प्लेयर हैं, कोलिन डिंग्रैम, जिमी नेशम और मार्टिन गोप्टल ने। अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, गुरबाज और राशिद खान। साउथ अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर, लुंगी निगिडी, वेंडर डोसन और तबरे शमचिन। बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ साकिब उल हसन। इन 29 प्लेयर ने सिर्फ प्लेटिनियम कैटेगरी के लिए PSL ड्राफ्ट के लिए साइन किया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे बड़े बड़े नाम तो इसमें शामिल ही नहीं है, डेविड वार्नर, मैक्सवेल जो मैक्सिमम हिट करते हैं, और इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, मिचेल मार्श, स्मिथ, इन बड़े प्लेयरों ने साइन क्यों नहीं किया? ये अभी पाकिस्तान नहीं आना चाहते, प्लेयर्स ये क्यों नहीं आना चाहते? इसकी बड़ी वजह है पैसा, पाकिस्तान का नाम नहीं है। अगर प्लैटिनियम कैटेगरी में अच्छे पैसे ऑफर हो तो ये प्लेयर जरूर आए पाकिस्तान में खेलने के लिए, जैसे बटलर हो गए, ये बड़े बड़े प्लेयर इसी वजह से नहीं आते, प्लैटिनियम कैटेगरी के पैसे बहुत कम है। पाकिस्तान सुपर लीग IPL के जैसे बोली लगनी चाहिए PSL में भी, क्योंकि जिस टीम के पास ज्यादा पैसे होंगे वही प्लेयर को अच्छी कीमत देकर खरीद सकेगा। एक लिमिट होती है टीम की कि इतनी लिमिट के अंदर अंदर आप प्लेयर को खरीद सकते हैं, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 150 करोड़ हो, चाहे वो 100 करोड़ का एक प्लेयर खरीद लें, चाहे 100 करोड़ में वो 11 के 11 प्लेयर खरीद लें। दोस्तों सबसे बढ़कर आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किसको PSL में देखना चाहते हो।